Hello dear students, once again welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we understand about business for class 11, and in this video we understand about the chapter number 7, that's name is a source of business finance, and it is our third part of this chapter. Our today's topic is retained earning or profit, retained profit or earning. So dear students, first of all we understand about the retained earnings. So here the retained earnings, or it's a part of the honest funds and long term finance. ठीक है, तो यहां पर कहता है retained earning profits are also known as the plowing back of profit. Retained earnings, self financing or internal financing, reserves or surplus. एक सिंपल सी बात समझ लीजिए कि ये वो अमाउंट होता है जो हमारी सेविंग के रूप में होता है, जो हम सरप्लस के रूप में बचा के रखते हैं, रिजर्व्स के रूप में रखते हैं, या फिर इंटरनल फाइनेंसिंग के रूप में जो हम अपने अमाउंट को क्या कर सकते हैं, बिजनेस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए यूज करते हैं, वो हमारी क्या होती है, रिटेंड अर्निंग को रिप्रेजेंट करती है. रिटेंड अर्निंग्स रेफर्स टू अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड टैक्सेस. तो डिविडेंड और टैक्सेस को पेमेंट करने के बाद जो अमाउंट बचता है वो क्या होता है, वो प्रॉफिट जो होता है, वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, रिटेंड अर्निंग कहलाता है. यानी कि इट इज अ दैट प्रॉफिट विच इज रिमेन आफ्टर सेटलमेंट ऑफ द ऑल टाइप ऑफ लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म. सारे लाइबिलिटीज को सेटल करने के बाद से जो पैसे बच जाते हैं, जिसको हम सेविंग्स के रूप में या सरप्लस के रूप में अपने पास रखते हैं, वो हमारी रिटेंड अर्निंग को रिप्रेजेंट करता है. कहता है इट्स प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ एक्सपेंशन एंड द ग्रोथ ऑफ द कंपनीज. इसके होने से क्या होता है कि ये बेस जनरेट करता है कंपनी के एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए. इट इज कंसीडर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस सिंस इट इज इंटरनली जनरेटेड. जैसा कि हमें पता है कि ये क्या होता है, इंटरनली जनरेटेड होता है. तो इंटरनली जनरेटेड होने की वजह से क्या है, ये सबसे सूटेबल, सबसे बेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है. और ये भी कहता है दिस मेथड ऑफ द फाइनेंसिंग इज नोन एज अ सेल्फ फाइनेंसिंग. अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच टाइप ऑफ अमाउंट और विच टाइप ऑफ फाइनेंस इज नोन एज अ सेल्फ फाइनेंसिंग. तो आप कहेंगे रिटेंड अर्निंग, सेविंग्स, प्रॉफिट, सरप्लस विच इज लेफ्ट आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ द ऑल टाइप ऑफ लाइबिलिटीज, दैट इज नोन एज सेल्फ फाइनेंसिंग विच इज यूज इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो ये पूरी तरीके से साहब साहब ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो बिजनेस फाइनेंसिंग है, ये हमारी क्या है, एक ऐसा अमाउंट है जो हम अपने सारे सेटलमेंट को कंप्लीट करने के बाद क्या करते हैं, बचा के रख पाते हैं. आगे कंटिन्यू करते हैं. तो यहां पर क्या कहता है, अब फीचर्स ऑफ रिटेन अर्निंग की अगर बात करें, फीचर्स क्या है इसके, तो एग्जैक्टली फीचर्स जो होते हैं इसकी क्वालिटी के बारे में बात करता है. ठीक है, और जब फीचर्स ऑफ अर्निंग्स की अगर बात करेंगे, रिटेन अर्निंग्स की, तो ये कहता है ये जो होता है वो क्या था, मोस्ट डिपेंडेबल सोर्स होता है, सबसे ज्यादा डिपेंडेबिलिटीज इसके ऊपर होती है. क्यों, क्योंकि ये हम खुद ऑनर क्या करता है, खुद अपने बिजनेस में इसको मैनेज करने का काम करता है. तो कहता है एज इंटरनल सोर्स दिस इज अ मोर डिपेंडेबल देन द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ द फाइनेंस. मतलब बाहर से पैसे जो लिए जा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा डिपेंडेंसी जो होती है वो इंटरनल सोर्स पे होती है. ठीक है, और द एक्सटर्नल सोर्स डिपेंड अपॉन द प्रेफरेंस ऑफ इन्वेस्टर. ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, इन्वेस्टर के, इन्वेस्टर कितना देना चाहता है, कितना इन्वेस्ट करना चाहता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है जो हमारा एक्सटर्नल सोर्स होता है. कहता था मार्केट कंडीशन एक्सेट्रा, और ये मार्केट कंडीशन के ऊपर, यानी कि अगर हमारी कंडीशन, हमारे अपने बिजनेस की कंडीशन की बात करें, अगर अच्छी नहीं है तो सिचुएशन में ये मार्केट सिचुएशन हमारे फेवरेबल कंडीशन को रिप्रेजेंट ही करेगी. ठीक है, अगर यही बिजनेस की कंडीशन अच्छी होगी तो मार्केट सिचुएशन हमारे फेवर को रिप्रेजेंट करेगी, और उस समय एक्सटर्नल जो सोर्स होता है वो हमें मिल पाएगा. लेकिन इन दैट सिचुएशन व्हेन वी आर सफरिंग फ्रॉम लॉस, अगर हम लॉस से थ्रू सफर कर रहे हैं तो एक्सटर्नल सोर्स पैसे लगाने से पीछे हट जाएगा. या एक्सटर्नल सोर्स का मतलब जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करेंगे, पैसे नहीं लगाएंगे, वो पीछे हट जाते हैं. क्यों, क्योंकि वो लॉस को बियर नहीं करना चाहते, वो केवल पार्टिसिपेट करना चाहते हैं किसमें, प्रॉफिट्स में.
ठीक है। और यहाँ पे अगर कंपनी को या फर्म को जब जरूरत होती पैसे की, फंड्स की, तो वो फिर क्या करता है, जो उसके पास अवेलेबल है उसी को वो चेकआउट करने का काम करता है कि उससे अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। और उसमें सबसे मोस्ट सुटेबल होता है क्या, जो रिटेंड अर्निंग होती है। आगे अगर बात करें तो नो कॉस्ट, हम इसके लिए कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करते हैं। मतलब अगर हम आउटसोर्स से लेते हैं या एक्सटर्नल सोर्स से लेते हैं तो सबसे बड़ी चीज क्या होगी, या तो हम इसको डिविडेंड देंगे या फिर इंटरेस्ट पेड करेंगे एक्सेट्रा। भाई या तो हम अपने प्रॉफिट में उसको पार्ट देंगे, हिस्सा देंगे, या फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको इंटरेस्ट पेड करेंगे। लेकिन ऐसे सिचुएशन में क्या है, यहां पे यानी कि इंटरनल सोर्स या फिर हम कह रहे हैं रिटेन अर्निंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कोई भी कॉस्ट पेड करने की जरूरत नहीं। रिटेन अर्निंग इज रिटेन अर्निंग राइजिंग ऑफ द रिटेन अर्निंग एंड इट्स यूज डू नॉट इन्वॉल्व एनी कॉस्ट टू बी इनकर्ड एज देयर आर द नो एक्सपेंसेस और ऑन द प्रोस्पेक्टस एंड एडवर्टाइजमेंट। अब इसमें यह कहता है कि जिस तरीके से अगर हम शेयर इशू करते हैं तो शेयर इशू करने के लिए हमें प्रोस्पेक्टस की रिक्वायरमेंट आती है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है कि हाँ भाई हम ऐसे से कर रहे हैं तो आप ऐसा करिए, या फिर आप हमारे शेयर खरीदिए। जब हम आपको क्या कर रहे हैं, प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, तो इस पर क्या होता है, इस पर होता है एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट में होता है एक्सपेंसेस। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो पैसे हमारे हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है और हम उसको अपने फर्म की अपनी जरूरत के हिसाब से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो कॉस्टिंग होगी वो कोई कॉस्टिंग नहीं होगी। फिर कहता है नो फिक्स्ड लाइबिलिटीज, के लिए कोई लाइबिलिटीज फिक्स नहीं है। जैसा कि हमने देखा कि हम क्या करते हैं, अगर कहीं फर्म में हम आउटसाइडर से फाइनेंस को मेंटेन करने का काम करते हैं तो आउटसाइडर हमें एक कंडीशन पे देता है कि वो हमसे या तो इंटरेस्ट चार्ज करेगा एज अ लोन ट्रीट करता है अमाउंट को, या तो वो पार्टिसिपेट करता है। अगर मान लीजिए वो एज अ लोन ट्रीट करता है तो वी आर लाइबल टू पे द मोस्ट ऑफ टाइम देयर इंटरेस्ट, ठीक है, ज्यादातर समय हम उसको क्या करते हैं, उसके इंटरेस्ट को पे करने के लिए लाइबल होते हैं। अब यहाँ पे कहता है नो फिक्स लाइबिलिटीज, यहाँ पे लाइबिलिटी फिक्स नहीं है क्योंकि देयर इज अ नो फिक्स कमिटमेंट टू पे द डिविडेंड। यहाँ पे डिविडेंड पे करने का, यानी कि डिविडेंड जैसे मैंने आपको कहा डिविडेंड, डिविडेंड इज वॉट, डिविडेंड इज वॉट आपको मैंने बताया, इट्स अ प्रॉफिट ऑन शेयर, डिविडेंड इज अ प्रॉफिट ऑन शेयर। शेयर्स के ऊपर मिलने वाला जो फायदा होता है, जो प्रॉफिट होता है, वो क्या होता है, डिविडेंड होता है। यानी कि शेयर होल्डर्स को जो मिलने वाला बेनिफिट होता है वो क्या होता है, डिविडेंड होता है। तो कहता है कि डिविडेंड के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पे ऑफ करना पड़ता है। लेकिन यहां पे क्या है कि अगर हम रिटेन अर्निंग को यूज करते हैं, नो फिक्स कमिटमेंट टू पे द डिविडेंड, यानी कि कोई भी कमिटमेंट हम नहीं करते हैं किसी भी तरह के पेमेंट को मेंटेन करने के लिए। कहता और द इंटरेस्ट, या फिर किसी तरह के इंटरेस्ट है ऑन दिस सोर्स ऑफ द फंड्स एज रिटेन प्रॉफिट आर अ कंपनीज ओन मनी। क्योंकि ये जो रिटेन प्रॉफिट होता है वो कंपनी का, यहां देखिए सबसे अच्छी चीज कह रहा क्या, कंपनी का अपना अपना पैसा होता है, कंपनी का खुद का पैसा होता है, इसलिए वो किसी तरह की लाइबिलिटीज को मेंटेन करने का काम नहीं करती है। फिर यहां कहता है क्या, नो इंटरफेरेंस। अब देखिए क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज को यूज करते हैं, तो ये कोई इंडिविजुअल पर्सन होता है या फिर इन्वेस्टर होता है, समझ लीजिए। इन्वेस्टर क्या करेगा, वो हमेशा ये जानने की कोशिश करेगा कि जो फाइनेंशियल कंडीशन है फर्म की या ऑर्गेनाइजेशन की वो कैसी है, ठीक है, अगर अच्छी है तो कितनी है, अगर बुरी है तो कैसी है, अच्छी होने की सिचुएशन में उसका प्रॉफिट या फिर डिविडेंड कितना मिलेगा, या फिर वो डिसीजन मेकिंग में हमेशा क्या करेगा, रिस्क उठाने से पहले जब आप उससे पूछेंगे भैया ये काम करने जा रहे हैं क्या कर ले, तो वो कहेगा अच्छा उसके रहेगा, तो कहेगा हाँ, नहीं तो वो अपनी मर्जी का हिसाब से क्या करेगा, डिसीजन लेने की बात करेगा। दैट्स नो व्हाट ही मेक लॉट्स ऑफ इंटरफेरेंस इन योर डिसीजंस। क्योंकि जो शेयर होल्डर होते हैं वो मोस्ट ऑफ टाइम अगर देखें तो ऑनर्स फंड के पार्ट होते हैं, तो ऑनर्स क्या होता है, मालिक होता है ऑर्गेनाइजेशन का। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं होगी अगर फर्म अपनी खुद के पैसे को यूज करती है तो। फिर कहता है विद द रिटेन्ड अर्निंग्स देयर इज नो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द शेयर होल्डर्स। अगर रिटेन्ड अर्निंग की बात करें तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स आर दोज हु आर इन्वेस्टिंग द
देयर अमाउंट इन आवर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. शेयर होल्डर वो होते हैं जो अपने अमाउंट को हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करने का काम करते हैं, जिनको प्रॉफिट के रूप में हम क्या देते हैं, डिविडेंड देते हैं. तो ये लोग क्या करते हैं, जब इनकी संख्या नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा, इंटरफेरेंस भी कम हो जाएगा. कहते हैं रिटेन अर्निंग्स इन्वॉल्व्स नो रिस्क ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंट्रोल. ठीक है, डाइल्यूशन ऑफ द कंट्रोल. डाइल्यूशन ऑफ द कंट्रोल की अगर बात करें, कंट्रोल को डाइवर्ट करने की बात करें, कंट्रोल को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करें, तो ऐसा कोई रिस्क जनरेट करने का नाम नहीं लेते, ऐसा रिस्क कोई जनरेट. अब कहते नो सिक्योरिटीज. अब इसको जब हम मेंटेन करते हैं, किसी तरह की सिक्योरिटीज देने की जरूरत नहीं पड़ती. सिक्योरिटीज का सेंस मैंने आपको पहले ही बताया कि सिक्योरिटीज का सेंस ऐसे, अब बैंक छोटा सा एग्जांपल पहले समझ लीजिए. हम बैंक में जब जाते हैं तो बैंक से जब पैसे निकालते हैं तो बैंक हमको यूं ही जाते ही शक्ल देख के पैसे दे देता है क्या? नहीं देता. वो क्या करता है, हमसे कहता है कि हम आपको क्यों दें. तो क्यों देने की सिचुएशन, वो देने के लिए रेडी भी होता है तो वो एक अपने, क्योंकि वो एक्सटर्नल सोर्स है हमारे लिए, तो वो अपने अमाउंट की सिक्योरिटी चाहता है. वो ये चाहता है कि अगर आप इस पेमेंट को जो लोन के रूप में हम आपको दे रहे हैं, अगर पेमेंट करने के लिए फेल कर जाते हैं, पेमेंट नहीं कर पाते हैं, इन दैट सिचुएशन हाउ वी कैन बी कवर अवर अमाउंट. यानी बैंक कहता है कि पैसा हम अपना कैसे कवर करेंगे. तो उस सिचुएशन में वो क्या करता है, आपसे एक सिक्योरिटी चाहता है इस सिचुएशन को लेकर. तो आप क्या कहते हैं, सिक्योरिटीज को मेंटेन करने के लिए कोई एसेट्स गिरवी रख देते हो. एसेट्स का सेंस जैसे मशीनरी हुआ, लैंड हुआ, बिल्डिंग हुआ. ठीक है, आप क्या करते हो, ले दे देते हो उसको और उससे कहते हो ठीक है भैया अब हमको लोन दे दीजिए, पैसे की जरूरत, हम काम कर लेंगे, फिर धीरे धीरे आपका पेमेंट करते रहेंगे. तो ऐसा कुछ यहां करने की जरूरत, यहां किसी भी तरीके कोई सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है. फिर कहता है गुडविल. जैसे हमने देखा कि शेयर होल्डर जब बढ़ते हैं तो गुडविल बढ़ता है, लेकिन यहां पे क्या है कि रिटर्न अर्निंग की वजह से क्या होता है, रिटर्न अर्निंग अगर आपके पास है तो कहता है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड द इंप्रूवमेंट इंप्रूव क्रिएटिविटी क्रेडिबिलिटी ऑफ कंपनीज. अब इसके होने से क्या होता है, अगर रिटर्न अर्निंग हमारे पास है तो इसका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ हमें बताता है कि कितनी अच्छी कंडीशन में हम हैं, और इसके साथ साथ इसका जो क्रेडिबिलिटी होता है वो इंप्रूव करता है, यानी कि लोग इस पर विश्वास करने का काम शुरू करते हैं. विद अ लार्ज रिजर्व कंपनीज कैन ईजिली मीट ऑल टाइप ऑफ द फंक्शन फॉरसीन द कंटीजेंसीज एंड एनी अदर क्राइसिस. तो यहाँ पे क्या होगा, जब इसके पास पैसे होंगे तो कंपनी सभी तरह की जो लाइबिलिटीज है उसका पेमेंट कर पाएगी, या फिर सभी तरह के फंक्शन को मैनेज कर पाएगी जो वो क्या कर रही है, जो वो फेस करती है अपने बिजनेस एक्टिविटीज के दौरान. आगे अगर बात करते हैं डिमेरिट्स की, डिमेरिट्स की बात कर ले, अभी तो हम लोग मेरिट्स की बात करें, इसका फायदा क्या है. तो डिमेरिट्स की अगर बात करें तो क्या था, केयरलेस. क्योंकि हमारा अपना पैसा होता है तो हम जानते हैं कि हमको किसी को कुछ देना तो है नहीं, तो हम अपनी मर्जी के हिसाब से यूज करना शुरू करते हैं बिना प्लानिंग के. कई बार हम इस्तेमाल करते हैं जिससे हमें लॉस को बियर करना पड़ता है, तो थोड़ा केयरलेस रहते हैं. तो यहाँ कहता है द रिटेन्ड अर्निंग्स आर अवेलेबल ईजिली, आसानी से हमको मिल जाता है एट नो कॉस्ट, बिना किसी कॉस्ट को मेंटेन, यानी कि बिना किसी एसेट्स को दिए हुए हमको रिटेन्ड अर्निंग के बेसिस पे हमारे पास जो अपना बैकअप होता है, जो सरप्लस अमाउंट जो हमने रखा होता है वो हमको मिल जाता है. फिर कहता था मैनेजमेंट of the company may not always use the retained earning in the best interest of the shareholders. तो अब यहाँ पे कह रहा है कि मैनेजर जो होता है वो क्या करता है, हमेशा वो रिटेन अर्निंग को बढ़िया तरीके से, यानी कि मैक्सिमम जो बेनिफिट उसको दे सकता है, शेयर होल्डर्स को दे सकता है, उस तरीके से इस्तेमाल नहीं करता. ठीक है, फिर करता क्या है, इट मे मिस यूज देम बाई द इन्वेस्टिंग ऑफ प्रॉफिटेबल और अनडिजायर्ड इन्वेस्टमेंट प्रपोजल. तो फिर वो करता क्या, मैनेजमेंट क्या करता है, जो उनका रिटर्न अर्निंग वाला अमाउंट होता है, रिटर्न प्रॉफिट जो होता है, उसको क्या करता है, अनप्रॉफिटेबल ऐसे भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लगाने का काम करता है, या ऐसी बिजनेस में लगाने का काम करता है जो तो प्रॉफिट नहीं देती है, जिनकी कोई जरूरत ही नहीं होती है. तो ये थोड़ा सा केयरलेस यूज रहता है. फिर कहता है डिससेटिस्फेक्शन अमंग द शेयर होल्डर्स. अब यहाँ थोड़ा गौर करिएगा, जैसे होता क्या है, ये जो रिटर्न अर्निंग होती है कोई एक्टिविटीज नहीं होती, ये आता कहां से, ये आता है पार्ट ऑफ प्रॉफिट से. ठीक है, प्रॉफिट के अब ये प्रॉफिट मान लीजिए आपने क्या किया, 1 लाख रुपीज अर्न किया एज अ प्रॉफिट. ठीक है, अब प्रॉफिट में अर्न किया और 5 मान लीजिए 10 शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, 10 शेयर होल्डर्स हैं, तो इसमें से हर एक के हिस्से में अगर देखें तो 10,000 आ जाता है.
राइट। अब 10,000 आ जा रहा है तो आपने क्या किया कि नहीं, आपने कहा कि नहीं, फॉर द एक्सपेंशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वी डिडक्ट 20% ऑफ अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट। तो आपने क्या किया, 20,000 रुपया क्या किया, डिडक्ट कर लिया, तो बचा कितना, 80,000, राइट। अब 80,000 आपने जो रखा है, 80,000 को इनके रेशियो में डिवाइड कर दिया, बट द वे ऑफ थिंग, 20,000 जो आपने रखा है अपने फायदे के लिए, ये शेयर होल्डर को कई बार नागवारा हो जाता है, यानी कि वो खुद कहते नहीं, वो ये नहीं सोचते हैं कि चलो ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको पूरे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए क्योंकि पूरा अमाउंट इन्होंने दे रखा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, कहता है लार्ज रिटेन अर्निंग, ज्यादा अगर ये अमाउंट होगा, मे कॉजेस द डिससेटिस्फेक्शन, ये ज्यादा कर जाते, मान ली 1,00,000 में आपने कहा नहीं हम क्या करेंगे 40,000 रुपीज क्या करेंगे रिटेन अर्निंग के रूप में रखना चाहते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं हम 40% क्या करेंगे, प्रॉफिट का 40% पार्ट हम क्या करेंगे रिटेन अर्निंग के रूप में रख लेंगे, यानी कि फ्यूचर में आने वाले जो क्राइसिस होता है उसको फेस करेंगे। कहती तो ऐसा है, लेकिन उस सिचुएशन में क्या होता है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके हिस्से से, उनके प्रॉफिट के पार्ट से ये अमाउंट निकाला जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में जो शेयर होल्डर होंगे वो डिससेटिस्फाई होंगे। अमंग द इक्विटी शेयर होल्डर्स एज दे डू नॉट रिसीव द हाई रेट ऑफ डिविडेंड। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, थोड़ा गौर करिए, यहाँ पे अगर हम मान लेते 6 लोग हैं, राइट, 1,00,000 रुपए थी, 40,000 निकाल लिए, अभी बचा 6,000, 60,000। अब 60,000 में 10,000 रुपए इनको मिलना है, लेकिन अगर देखें बाकी का ये 40,000 भी इनको मिलता तो ये 10 से ज्यादा अमाउंट होते। क्या होता, 1,00,000 का हमने अगर 6 लोगों डिवाइड कर दिया, वो भी रिटर्न अर्निंग को निकालने के बाद, तो बचा 60,000 रुपए। तो 60,000 में अगर देखें तो हर एक व्यक्ति को मिल रहा है, एंड ईच एंड एवरी इंडिविजुअल्स गॉट 10,000 only, and that situation they left the 40,000 amount which is held by the organization as a retained earning, वो retained profit के रूप में देती है। वो सो कहती है कि हम profit को इसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करती है तो क्या होगा कि जो shareholders हैं वो dissatisfy होंगे। जब dissatisfy होंगे तो इस situation में क्या होगा, organization में जो investors invest करने के बारे में सोच भी रहे थे वो उनको मना कर देंगे, कहेंगे कि ये भाई अपनी मर्जी के हिसाब से, बिना किसी प्लानिंग, बिना किसी पॉलिसी के हिसाब से क्या करता है, रिटेन अर्निंग को मेंटेन करने का काम करता है, जो कि अगर देखे तो एक निगेटिव एस्पेक्ट है। आगे अगर बात करते हैं, ओवर कैपिटलाइजेशन की अगर बात करें तो ओवर कैपिटलाइजेशन का जो सेंस होता है, हमारा जो कैपिटल होता है उससे क्या कह रहा है, द लार्ज अमाउंट ऑफ रिटेन अर्निंग रिजल्ट इंक्रीज इन द बोनस शेयर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, द फ्रीक्वेंट कैपिटलाइजेशन ऑफ अ रिजर्व मे बी रिजल्ट इन द ओवर कैपिटलाइजेशन। अब यहाँ पे कह रहा है ओवर कैपिटलाइजेशन मतलब आवश्यकता से अधिक हमारा कैपिटल का होना, यानी हमारी जरूरत से ज्यादा होता है। यहाँ जैसे कह रहा है, लैंग्वेज भी कह रहा है, द लार्ज अमाउंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स रिजल्ट इन द इशू ऑफ बोनस। जब ज्यादा आप क्या कर रहे हो, रिटर्न अर्निंग को मेंटेन कर रहे हो, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, आपका जो रिजल्ट आता है उस सिचुएशन में कहता है कि शेयर होल्डर्स को ज्यादा बोनस आपको इशू करना पड़ेगा। जब ज्यादा फायदा आप कमाएंगे तो ज्यादा बोनस, और किसको, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। कहता है फ्रीक्वेंटली द कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व मे रिजल्ट इन द ओवर कैपिटलाइजेशन। अब इसकी सिचुएशन क्या होगा कि जो हमारा कैपिटलाइजेशन होगा वो ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाएगा, कि हमारी अपनी जो वैल्यूज है उससे ज्यादा हो जाएगा, जो कि होना नहीं चाहिए। फिर कहता है इम्बैलेंस ग्रोथ, हमारा ग्रोथ भी इम्बैलेंस्ड होगा। कहता है व्हेन सरप्लस प्रॉफिट आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इट रिजल्ट इन यूज ऑफ द प्रॉफिट्स बाय द सेम इंडस्ट्रीज फॉर इट्स फर्दर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अब यहां कह रहा है कि जो हमारे पास प्रॉफिट है, अगर हम इसका इस्तेमाल डिविडेंड के रूप में नहीं कर रहे हैं, डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के रूप में नहीं कर रहे हैं, तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, और उसका उस पैसे का इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हैं। तो व्हेन द सरप्लस प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ द डिविडेंड, देन द शेयर होल्डर्स मे इन्वेस्ट द मनी इन अदर कंपनीज। अब ऐसे सिचुएशन क्या होगा कि अगर इस सिचुएशन में प्रॉफिट होने, रिटेन अर्निंग की सिचुएशन में अगर हम पैसे देने बजाय एक्सपेंशन पे लगा रहे हैं, और उसके बाद हम जब पैसे दे रहे हैं तो जो हमारा इन्वेस्टर होगा वो दूसरी कंपनी में पैसे लगाने का काम करेगा, जिससे क्या होगा बैलेंस ग्रोथ ऑफ ऑल द कंपनीज, जिसका रिजल्ट क्या होगा, बैलेंस ग्रोथ होगी दूसरी कंपनीज में, आपकी अपनी कंपनी ग्रोथ उस तरीके से नहीं कर पाएगी। तो अगर देखें तो इससे ये साफ साफ लगता है कि रिटेन अर्निंग ठीक भी है,
ठीक है, जरूरतों के हिसाब से, लेकिन कहीं बार क्या होता है कि अगर हम उसको प्रॉपर बैलेंस या मैनेज के मैनेजमेंट में के रूप में अगर मतलब प्रॉपर मैनेज ना करें तो हमें प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ सकती है. सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो दैट्स ऑल. इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ द डाउट ऑफ द करियर, यू शुड बी कंसल्ट थ्रू द गूगल क्लासरूम. थैंक यू.